एंड साथ ही आप प्रेस करें नोटिफिकेशन बेल को ताकि आने वाले न्यू वीडियोज की नोटिफिकेशन आपके पास आए और आप मेरी कोई भी वीडियो मिस ना कर पाए एंड साथ ही आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है प्रिंसेस लाइव ट्वेंटी ट्वेंटी तो इंस्टाग्राम में पे मुझे जरूर फॉलो करें ताकि वहां पे मैं रीसेलिंग में ड्रेसेस सेल करती रहती हूँ तो अगर आप लोग कोई मेरी ड्रेस पसंद आती है पर सो गाइज मेरे चैनल पे चल रही है गिव अवे तो गिव अवे में पार्टिसिपेट अभी तक अभी तक नहीं किया है तो जल्दी से गिव अवे में पार्टिसिपेट कर लें गिव अवे के रूल्स बहुत ही ज्यादा सिंपल हैं एंड गिव अवे के रूल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे बहुत ही सिंपल से रूल हैं जल्दी से जाके गिव अवे में पार्टिसिपेट कर लें एंड मैं थर्टी विनर्स अनाउंस करने वाली हूँ जब मेरे फाइव थाउजेंड सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो जाएंगे मेरे चैनल पे एंड आई होप आप जल्दी से मेरे फाइव थाउजेंड सब्सक्राइबर्स कम्प्लीट करवा देंगे वो भी ड्रेसेस मैं आपको आज वीडियो में दिखाने वाली हूँ सारी ही अवेलेबल है रीसेलिंग प्राइस में रीसेलिंग का मतलब होता है जो भी मैं मीशो से ड्रेसेस परचेज करती हूँ वो मैं आप लोगों को रीसेलिंग प्राइस में कम प्राइस में आप लोगों को सेल कर देती हूँ अपने सब्सक्राइबर्स को तो आपने रीसेलिंग परचेज करने के लिए क्या करना है आपने मुझे इंस्टाग्राम पे वीडियो में से स्क्रीनशॉट लेंगे जो भी आपको ड्रेस पसंद है एंड आप मुझे इंस्टाग्राम पे मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं अगर आप लोग इंस्टाग्राम यूज नहीं कर सकते नहीं करते हैं तो मुझे डायरेक्टली मेल भी कर सकते हैं मेरी ई मेल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी तो आप डायरेक्टली मेल करके भी परचेज कर सकते हैं सो आई होप आपको रीसेलिंग का प्रोसेस समझ आ गया होगा तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं हम सबसे पहले बात कर लेते हैं ये ग्रीन वाले लहंगे की लहंगा बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल लग रहा था एंड मुझे ना ग्रीन कलर के पता नहीं क्यों मुझे लहंगे बहुत अच्छे लगते हैं जैसे एक परियालिया भट्ट ने भी किया था मतलब ये थोड़ा सा उस टाइप का ही है लहंगा मुझे बहुत अच्छे लगते हैं ग्रीन कलर के लहंगे तो मैं काफी टाइम से सोच रही थी इसको परचेज करूँ एंड इसकी रिक्वेस्ट भी आ रही थी इस लहंगे की तो मैंने इसको परचेज कर लिया और मुझे रिसीव हो गया इसका प्राइस मैं आपको स्क्रीन पे दे दूंगी रीसेलिंग प्राइस भी आपको स्क्रीन पे मिल जाएगा तो सबसे पहले दिखाती हूँ पैकेजिंग पैकेजिंग बहुत अच्छी है सिंपल सी पैकेजिंग है एंड इसमें क्या है ना इसकी पैकेजिंग इतनी सॉलिड है ना कि ये बिल्कुल भी फटने वाला बहुत ही अच्छे बैग में पैक करके भेजा है तो मैं आपको ओपन करके दिखाती हूँ किस तरह का होने वाला है ये लहंगा तो आप देख सकते हो बहुत ही ब्यूटीफुल सा कलर है इसका तो सिल्क फैब्रिक में लहंगा मिलता है तो प्राइस आपको स्क्रीन पे ही मिल जाएगा एंड बहुत सुंदर लहंगा है ये मैं बार बार इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि सीरियसली इसका फैब्रिक बहुत अच्छा है एंड इसका कलर बहुत अच्छा लग रहा है तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसके स्कर्ट की लहंगे की बात कर लेते हैं लहंगा किस तरह का होने वाला है सो so, यहाँ पे जो आपको लहंगा मिलता है ना ये सिल्क फैब्रिक में मिलता है एंड इसका कलर एग्जैक्टली सेम वैसा ही है जैसा आपको स्क्रीन पे दिख रहा है ये आपको आराम से एक्सल साइज आई थिंक डबल एक्सल वालों को भी ये आ जाएगा बहुत ही अच्छी विर्थ के साथ है ये एंड यहाँ पे आपको ना डोरी डालने के लिए स्पेस बनी हुई है जस्ट इसमें आपको डोरी डालनी है एंड आपको ये साइड वाला पार्ट भी स्टिच मिलता है मतलब अदरवाइज जो लहंगे आते हैं वो स्टिच नहीं होते बट यहाँ पे आपको ये साइड वाला भी स्टिच मिलता है एंड आप देख सकते हो यहाँ पे ये इतना सुंदर लहंगा है ना एंड यहाँ पे आपको ना जो इस पे वर्क है वो आपको मिलता है जरी वर्क विथ सीक्वेंस वर्क विथ थ्रेड वर्क तो आप देख सकते हो पास से बहुत ही सुंदर सा काम किया हुआ है इस पे पूरे लहंगे पे एंड ये जो वर्क है ना ये आपको पूरा नीचे तक मिलता है सेम एग्जैक्टली वैसा ही सेम जाल वाला डिजाइन है एंड ये पूरे लहंगे पे सेम वर्क है पूरा एग्जैक्टली सेम एंड आप काम देख सकते हो कितना सुंदर काम किया हुआ है बहुत ही सुंदर काम किया हुआ है इस लहंगे में एंड बैक साइड पे भी आप देखेंगे तो दोनों तरफ आपको सेम मिलता है लहंगा बिल्कुल एग्जैक्टली exactly सेम है एंड नीचे की तरफ आप देखेंगे ना तो यहाँ पे आपको इतनी सी आपको बॉर्डर मिलता है अ इस तरह की लेस का बॉर्डर मिलता है नीचे की तरफ एंड इसके नीचे आपको केन केन नहीं मिलती है बस आपको थोड़ी सी बुकरम हैवी सी दी हुई है नीचे की तरफ जो लाइनिंग है उस पर एंड ऊपर वाले पार्ट पर यहाँ पे कुछ भी नहीं दिया हुआ है इन्होंने एंड बात करें अब लहंगे के फ्लेयर की तो यहाँ पे आपको फ्लेयर भी बहुत अच्छा मिल जाता है बहुत अच्छा फ्लेयर है इसका एंड इसके नीचे जो आपको लाइनिंग मिलती है ना वो आप देख सकते हो बहुत ही सॉफ्ट फैब्रिक में लाइनिंग मिलती है एंड विद इंटरलॉकिंग मिलता है ये इंटरलॉक के साथ है एंड इसका जो फैब्रिक है ना ये बिल्कुल भी स्किन पे हार्श नहीं होगा बहुत ही अच्छा है एंड ये लाइट वेट लहंगा है तो अगर आप अपने मेहंदी के फंक्शन के लिए इसको परचेज करना चाहते हैं या फिर आप किसी की वेडिंग में वेयर करना चाहते हैं तो बहुत ही अच्छा है ये लहंगा उस परपज से एंड यहाँ पे आपको जिप क्लोजर भी मिलता है आप देख सकते हो एंड बहुत ही अच्छा लहंगा है ये एंड लाइनिंग आपको पूरी नीचे तक मिलती है बहुत ही अच्छी लाइनिंग है सो so, इज ये लहंगा जरूर परचेज करें बहुत ही अच्छा लहंगा है एंड हाईली रिकमेंड करूँगी अगर आप इसको परचेज करना चाहते हैं जरूर परचेज करें एंड ये रीसेलिंग में भी अवेलेबल है सो so, ये है इसका लहंगा अब बात कर लेते हैं इसके दुपट्टे की तो यहाँ पे जो हमें दुपट्टा मिलता है ना वो भी बहुत सुंदर है आप देखेंगे इसकी लेंथ दुपट्टे की क्वालिटी नेट की बहुत अच्छी है तो मैं आपको दिखाती हूँ कुछ इस तरह का ये लहंगा है यहाँ पे आपको कॉर्नर में इस तरह से लेस मिलती है एंड ये लेस आपको दुपट्टे के चारों तरफ मिलती है इस तरह की लेस एंड आप दुपट्टे के नेट फैब्रिक देख सकते हो कितना सॉफ्ट नेट फैब्रिक है बहुत ही अच्छा है नेट की क्वालिटी एंड दुपट्टे की मैं आपको लेंथ दिखा देती हूँ तो यहाँ पे आपको दुपट्टे की आपको इतनी लेंथ मिलती है एंड इतनी आपको दुपट्टे की व्यर्थ मिलती है तो बहुत ही अच्छी लेंथ एंड व्यथ के साथ ये आपको दुपट्टा मिलता है एंड कलर आप देख ही सकते हो कितना सुंदर लग रहा है ये कलर है ना बहुत सुंदर है कलर एंड ये वेडिंग में तो बहुत अच्छा लगने वाला है एंड इसके साथ आपको मिलता है चोली का कपड़ा ये आपको स्टिच करवाना पड़ेगा तो यहाँ पे जो आपको चोली का कपड़ा मिलता है वो भी आपको सिल्क फैब्रिक में ही मिलता है तो मैं आपको दिखा देती हूँ यहाँ पे तो अ आ... फ्रंट हाँ या आपको चोली का फ्रंट साइड मिलता है इस तरह का वर्क है जैसा लहंगे पे काम था सेम वैसा ही काम आपको इस पे मिलता है चोली पे भी एंड बैक साइड भी आपको पूरा वर्क में मिलता है तो ये बैक साइड है इसकी बैक साइड पे भी पूरा सेम काम किया हुआ है जैसा लहंगे पे काम किया हुआ है एंड स्लीव्स के लिए भी आपको पूरा यहाँ पे हैवी वर्क में स्लीव्स का कपड़ा दिया हुआ है तो यहाँ पे आपको इसको स्लीव्स इस को स्टिच करवा सकते हो बहुत ही अच्छा कपड़ा दिया हुआ है एंड इसके नीचे लाइनिंग का कपड़ा नहीं है तो अगर आप लगवाना चाहते हैं तो लगवा सकते हैं वो आपको एक्स्ट्रा परचेज करके फिर लगवाना पड़ेगा अदरवाइज ये लहंगा बहुत सुंदर है एंड इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है एंड मुझे ये बहुत ज़्यादा अच्छा लगा क्योंकि इसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है फैब्रिक की अकॉर्डिंग टू प्राइस बिल्कुल जस्टिफाई करता है एंड मैं हाईली रिकमेंड करूँगी अगर आप लोग परचेज करना चाहते हैं तो इसका कोड आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा इनकेस आप मुझसे परचेज नहीं करना चाहते तो आप मीशो से भी परचेज कर सकते हैं So, मैं आपको पहन दिखा हूं के दिखाती हूँ कि पहनने के बाद ये कैसा लगने वाला है सो so... Hope आपको अच्छे समझ आ गया होगा कि पहनने के बाद ये कैसा लगने वाला है मुझे ये बहुत ज्यादा अच्छा लगा एंड मैं हाईली रिकमेंड करूंगी <laughs> क्योंकि इसका फैब्रिक बहुत अच्छा है सो so अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट मैंने मीशो से क्या परचेज किया है नेक्स्ट मैंने अगेन एक लहंगा परचेज किया है इस बारी मैंने लहंगे काफ़ी सारे परचेज़ किए हैं क्योंकि ना मुझे बहुत रिक्वेस्ट आती है कि आप लहंगे क्यों नहीं दिखाते हो आप शरारा सूट ज़्यादा दिखाते हो तो इसलिए इस बार मैंने लहंगे इंक्लूड किए हैं ताकि आप लोग को पसंद आए आप लोग मुझे रिक्वेस्ट करते हैं तो मुझे होता है कि मैं आप लोगों की रिक्वेस्ट पूरी करूं सो ये लहंगा मैंने परचेस किया है इसका प्राइस एंड रीसेलिंग प्राइस आपको स्क्रीन पे ही मिल जाएगा तो पैकेजिंग की बात करें तो पैकेजिंग काफ़ी सिंपल सी पैकेजिंग है तो चलो ओपन करके देख लेते हैं किस तरह का ये लहंगा होने वाला है तो so, मैं सबसे पहले आपको ना साइड में इमेज दे दूंगी मॉडल की तो आपको आइडिया लग जाएगा कि मैं कौन सा लहंगा दिखाने वाली हूँ मैं आपको मॉडल की इमेज साइड में दे दूंगी ताकि आपको आइडिया लग जाए कि लहंगा कैसा होने वाला है तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं स्कर्ट की तो यहाँ पे जो आपको स्कर्ट मिलती है ना वो आपको मिलती है साटिन फेब्रिक में है ये थोड़ा सा एंड यहाँ पे आप देख सकते हो ये प्रिंटेड लहंगा है लहंगे की बेल्ट आपको स्टिच मिलती है एंड यहाँ पे आप देख सकते हो इसके जो वेस्ट एरिया है वो आराम से डबल एक्सल वालों को भी आ जाएगा देख सकते हो इतना लूज है ऊपर से एंड ये एरिया आपको स्टिच मिलता है यहाँ पे जस्ट आपको लास्टिक लास्टिक आप इसमें डलवा सकते हैं एंड ये वाला एरिया आपको ओपन मिलता है तो ये आपको स्टिच करवाना पड़ेगा एंड यहाँ पे देख सकते हो आपको काफी मल्टी कलर्स में आपको यहाँ पे प्रिंट मिलता है ये है आप देख सकते हो फैब्रिक बहुत शाइनिंग है इस तरह के फैब्रिक का काफ़ी ट्रेंड भी चल रहा है इस फैब्रिक का क्या होता है कि ये ना लाइट वेट होता है तो आप किसी वेडिंग फंक्शन में पहन के गए हैं तो आपको कैरी करने में भी कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती है तो इस तरह से ही आपको प्रिंट में मिलता है तो अगर आप लोगों को इस तरह का प्रिंट वाला लहंगा पसंद है तो आप इसको जरूर ट्राई कर सकते हैं आप इसका लेंथ लेंथ देख सकते हैं लेंथ बहुत अच्छी है व्यर्थ आप देख सकते हो दुपट्टे का घेर बहुत अच्छा है बहुत ही सुंदर घेर के साथ है एंड बहुत ही अच्छी डिटेलिंग है बहुत अच्छा डिजाइन है यहाँ पे पूरे लहंगे पे ऑल ओवर सेम है लहंगा ये फ्रंट एंड बैक दोनों साइड से आपको ये पूरा ही सेम मिलता है देख सकते हो इस पे काफी अलग अलग कलर से प्रिंट है यहाँ पे एंड नीचे की तरफ इस तरह की कुछ डिटेलिंग है पूरे घेर पे बहुत ही सुंदर से डिटेलिंग दी हुई है एंड अब बात कर लेते हैं इसके लाइनिंग की तो लाइनिंग यहाँ पे आपको बहुत ही अच्छे फैब्रिक में लाइनिंग मिलती है ब्लू कलर की ही बहुत सुंदर लग रहा है ये एंड लाइनिंग आप देख सकते हो पूरी नीचे तक आपको लाइनिंग मिलती है इसमें केन केन नहीं दी हुई है ना ही केन किन दी हुई है ना ही हैवी बुक्रम भी नहीं दिया हुआ है तो अगर आप ऐड करवा लेंगे तो इस लहंगे के लुक और भी ज़्यादा अच्छी आएगी एंड और ज्यादा अच्छा लगेगा ये लहंगा सो इसके नीचे कुछ दिया नहीं हुआ तो वो आप ऐड करवा सकते हैं क्योंकि प्राइस भी इतना ज्यादा नहीं है तो मेरे हिसाब से लहंगा बहुत ही अच्छा है बहुत सुंदर लहंगा है ये एंड आप जरूर ट्राई कर सकते हैं अब बात कर लेते हैं इसके ऊपर जो हमें चोली मिली है बिना आपको चोली के लिए कपड़ा दिया हुआ है तो ये भी आपको जो कपड़ा दिया हुआ है ये दिया हुआ है आराम से आपको मिलता है ये फ्रंट एंड बैक दोनों के लिए अलग अलग से आई थिंक हाँ लाइनिंग का कपड़ा दिया हुआ है एंड ऊपर वाले चोली के लिए आपको जॉर्जेट का फैब्रिक मिलता है देख सकते हो ये जॉर्जेट फैब्रिक आपको मिलता है चोली के लिए एंड इन्होंने लाइनिंग के लिए भी कपड़ा दिया हुआ है तो ये आपको कपड़ा मिलता है लाइनिंग के लिए तो ये आपको जो पूरा वन मीटर कपड़ा मिलता है लाइनिंग का एंड वन मीटर मिलता है आपको चोली के लिए तो सो आप देख सकते हो जॉर्जेट फैब्रिक में मिल, मिल जॉर्जेट फैब्रिक में आपको मिल रहा है ये कपड़ा एंड लाइनिंग आपको काफी सॉफ्ट से फैब्रिक में मिल रही है सो तो आप देख सकते हो ये आपको चोली का कपड़ा मिलता है बिल्कुल प्लेन है एंड जैसा मॉडल ने वेयर किया है ना आप इसको एग्जैक्टली exactly वैसा स्टिच करवाएंगे तो बहुत सुंदर लगेगा सो अब इसके साथ बात कर लेते हैं दुपट्टे की तो यहाँ पे जो दुपट्टा आपको मिलता है ना वो आप देख सकते हो दुपट्टा जैसा मॉडल ने वेयर किया है वैसा दुपट्टा है कुछ इस तरह से आपको प्लेटेड दुपट्टा मिलता है एंड यहाँ पे आपको ये प्लेटेड दुपट्टा मिलता है यहाँ पे ये यह स्टिच है आई थिंक ये इस तरह से लेना है एंड ये आपको फ्रंट से कुछ इतना आपको लंबा दुपट्टा मिलता है तो जैसा मॉडल ने वेयर किया है वैसा आप स्टाइल से इसको वेयर कर सकते हैं बहुत सुंदर लगेगा तो लहंगा आप दुपट्टा आपको जॉर्जर्स फैब्रिक में मिलता है आप देख सकते हो कुछ इस तरह का सेम ब्लू कलर का ही दुपट्टा है सो so ये आपको मिलता है दुपट्टा इसके साथ इसका दुपट्टा दुपट्टा भी बहुत ज्यादा सुंदर है एंड थोड़ा सा ये ना डिजाइनर पीस लग रहा है एंड बहुत सुंदर लगेगा इसके साथ बस आपको अच्छी सी ज्वेलरी कैरी कर लें बहुत सुंदर पीस लगेगा so सो वाय चलो मैं आपको पहन के दिखा देती हूँ कि पहनने के बाद ये कैसा लगने वाला है

तो इंस्टाग्राम पे मुझे जरूर फॉलो करें एंड रीसेलिंग मगर में अगर आपको कुछ लेना है आज के वीडियो में से तो जल्दी से मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करें सो so गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाय